अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू गेट नॉलेज। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। गाइस, आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 10 CSS सीरीज का जो अभी होने लगा है, हमने इसमें सीखना क्या है, हाउ टू शो हाई टेक्स्ट यूजिंग CSS थ्रू होवर। ठीक है, जब हम होवर करेंगे तो होवर करने के ऊपर हमें किसी भी एलिमेंट पे या किसी भी डिव पे जब होवर करेंगे तो हमें कोई हाई टेक्स्ट होगा हमारा जो शो होगा। ठीक है, तो ये CSS के थ्रू किस तरह होगा आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, टोटल सारी देखिएगा तो अच्छे से समझ लगेगी। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले, हाँ सबसे पहले मिलेगी। अच्छा जी, ओके, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी। सब्लाइम एडिटर ओपन है तो ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है किस तरह सब्लाइम को इंस्टॉल करना है, किस तरह ओपन करना है तो और किस तरह फाइल्स को क्रिएट करना है। ठीक है, किस फोल्डर में किस जगह पे रखना है वो आपकी अपनी खुद की च्वाइस है। तो अगर आपको ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, आप हमारे चैनल पर नहीं हुए हैं, तो काइंडली आप हमारी CSS सीरीज को हमारी प्ले लिस्ट में से जाके देख सकते हैं। HTML का कम्प्लीट कोर्स पड़ा हुआ है जो 7-8 वीडियोज पर है, आप उसको भी लर्न कर सकते हैं। ओके जी, अभी हमने फाइल को सेव करवा लिया मैंने show.html के नेम से, तो अपनी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे आ जाएगा टैग HTML, HTML यहाँ पे हम लिख देते हैं जी show text। ओके जी, show text आ गया है। अभी हमने क्या करना है, एक बॉडी में जाके कोई एक div क्रिएट कर लेनी है जी। ठीक है, div क्लास, उसको हम नाम दे देते हैं ड्रॉप डाउन। ये ड्रॉप डाउन नहीं बननी, ये मैंने जस्ट ड्रॉप डाउन उसका नेम रखा है क्लास का। क्लास का आपकी चॉइस, आप कोई भी नेम रख सकते हैं। डिव क्लास ड्रॉप डाउन हो गई है जी। ड्रॉप डाउन में मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, H1 के नेम से मैं लिख लेता हूँ जी शो टेक्स्ट। ओके, शो टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट आपको लिखा नजर आ जाएगा ब्राउज़र पे, साथ में नीचे एक पैराग्राफ भी लिखी लूँ पी, और यहाँ पे क्लास में लिख के हम पैरा उठा लेते हैं। लिखा लिखाया खुद क्यों मेहनत करनी है। ठीक है, ल्यूरम IPSM से, ये ल्यूरम IPSM की वेबसाइट भी है, आप उधर से भी पैरा को कॉपी कर सकते हैं। वैसे सब लाइन में ये ऐसे भी लिखा आ जाता है, डमी टेक्स्ट होता है ये। अच्छा जी, ये मैं कंट्रोल एक्स कर लिया यहाँ से, तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। और इस क्लास को हम नेम दे देते हैं ड्रॉप डाउन, यहाँ कंटेंट दे देते हैं नेम कंटेंट। ओके जी, ये हमारी क्लास होगी ड्रॉप डाउन और ये हमारी होगी कंटेंट। अब ये जो डिव है हमारी ड्रॉप डाउन की, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा कॉन्टेंट क्या होगा, शो होगा। तो अभी मैं आपको ये ब्राउजर पे ओपन करके भी दिखा देता हूँ जी कि क्या चीज आ रही है अभी फिलहाल। ले जी, ये हमारे पास आ रहा है शो टेक्स्ट की हेडिंग आ रही है, और ये सारा ल्यूरम IPSM में हमने जो टेक्स्ट डमी लिखा है वो आ रहा है। अभी हम इसको कर लेते हैं इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी, और किस तरह इस टेक्स्ट को हाइड करना है और फिर किस तरह इस डिव के ऊपर क्लिक करने पर इसको शो करवाना है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे टैग लगाते हैं। आज हम यूज करेंगे इंटरनल CSS, ठीक है, एक्सटर्नल CSS की फाइल क्रिएट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आएगा स्टाइल का टैग, और सॉरी, हाँ जी बिल्कुल टैग ही। अच्छा जी, स्टाइल के अंदर जाके हम लिखेंगे डॉट ड्रॉप डाउन। ओके, डॉट ड्रॉप डाउन में हम करेंगे जी यहाँ पे जो हमारे पास ड्रॉप डाउन कम्प्लीट एक डिव है। ठीक है, इस डिव को हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो विड्थ देते हैं, विड्थ हम इसकी रख लेते हैं 200px। ओके, और इस डिव को हम एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर इसको हम रेड कर देते हैं, और बैकग्राउंड कलर इसका रेड हो गया। यहाँ पे ये जो इसकी विड्थ है ना, ये इंक्रीज करनी होगी हमें, इसकी विड्थ हम कर लेते हैं 500। ओके जी, अच्छा जी, बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, और इसका जो कलर होगा, जो कलर होगा वो हम कर लेते हैं वाइट। ये कलर हो गया जी वाइट, सेव हो गया।
अच्छा, अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमने ड्रॉप डाउन की जो हमारी मेन भी है ये वाली, इसके अकॉर्डिंग हमने इस टेक्स्ट को शो करना है, ठीक है। तो आपको पोजीशन का कॉन्सेप्ट भी दे दिया मैंने, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप लास्ट लेक्चर सीएसएस की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम यूज कर लेंगे पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव आ गई जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि डॉट कंटेंट है जो अपना कंटेंट, जो कंटेंट की क्लास है, उसको हमने क्या कर देना है, डिस्प्ले उसका कर देना जी, चुप करके हमने नन, ठीक है। ज्यादा बातें नहीं करनी, चुप करके इसको नन कर देना। अच्छा, यहाँ पे ये नन हो गया, तो ये देखिए, ठीक है, ये हमारी एक डिव बन गई है, शो टेक्स्ट इसमें अंदर शो हो रहा है, लिखा हुआ। जब भी हम इस डिव के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास वो जो डमी कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है कंटेंट, वो शो ऑफ होगा इसी डिप के अंदर, ये वाली के अंदर। अच्छा, अभी हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसको बता देना है कि यार ये जो हमारी डॉट ड्रॉप डाउन है ना, जो डॉट ड्रॉप डाउन है, इसके ऊपर जब हम करें ना होवर होवर, तो फिर हमें क्या करते हैं, हमारा जो डॉट कंटेंट है ना, कंटेंट वो हमें, तो इस तरह करो कि उसका जो डिस्प्ले है वो हमें ब्लॉक कर दो, तो ये इसका डिस्प्ले ब्लॉक करेगा। अभी हम इसका रिजल्ट चेक करते हैं, ले जी यहाँ पे आ गए और यहाँ पे ये देखें, ठीक है, इसका डिस्प्ले ब्लॉक हो रहा है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नजर आ रहा है आपको, ये टेक्स्ट टेक्स्ट नहीं है। जैसे हमें ये जो रेड वाली डिव है इसके अंदर जा रहे हैं, ये ले वोल्यूरम आईपीएसएम का लिखा हुआ टेक्स्ट भी उसी डिव के अंदर आ गया। और भी मजेदार काम हो सकते हैं इनके, यहाँ पे एक बटन कर लें, बटन के ऊपर क्लिक करने पे या होवर करने पे हमें ये टेक्स्ट शो, ठीक है। और बाकी मजीद जावास्क्रिप्ट के जरिए ये बेटर हो जाएगा और भी, लेकिन अभी हम जावास्क्रिप्ट को यूज नहीं करेंगे, वो तो एक छोटा सा एक जस्ट एक क्लिक का हमें फंक्शन यूज करना होगा, तो ये हमें इतना कोड करने लिखना ही नहीं पड़ता उसके लिए, तो ये जल्दी से हो जाता है। तो गाइस, अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं लगी, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, यार छोटी सी वीडियो थी। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कुछ मीडिया क्वेरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे लेक्चर फिर इंशाल्लाह दो और होंगे और फिर हमारा सीएसएस का कोर्स कंप्लीट। ओके गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय।